मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ का एक सच्चा भक्त जिसका नाम माधव दास था, उन्होंने अपनी पत्नी के देहांत के बाद अपनी पूरी जिंदगी भगवान को अर्पित करने का निश्चय कर लिया। भगवान जगन्नाथ अपने इस सच्चे भक्त को देखकर बड़े खुश होते थे और उन्होंने कई बार माधव दास को अपने दर्शन भी दिए थे, परंतु एक दिन माधव दास बीमार हो गए। बीमारी के कारण उनका बदन सूखने लगा, तब स्वयं भगवान ने अपने भक्त की सेवा की। बाद में जब माधव दास की तबीयत ठीक हुई तब उसने पूछा, प्रभु आपने मेरी बीमारी को एक बार में ही ठीक क्यों नहीं किया, आपको मेरी सेवा नहीं करनी पड़ती। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा कष्ट अब मुझसे देखा नहीं जाता, इस कारण मैं तुम्हारे 15 दिन की बीमारी को अपने ऊपर लेता हूँ। और इसी वजह से भगवान आज भी 15 दिन के लिए हर साल बीमार पड़ते हैं।